आज का डेमो क्लास का टॉपिक है बैक ब्लाउज, ठीक है। सिर्फ ये ब्लाउज में ही काम नहीं आता, आपके टॉप में या लहंगे के जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें भी काम में आता है, ठीक है। तो पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो भेजा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको मेजरमेंट्स लेना बताया हुआ है, बॉडी से आप किस तरह से लेते हो। वेट करना एक मिनट, काफ़ी लोगों को वॉइस ही नहीं आ रही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो सेंड किया था जिसमें से आप बॉडी से मेजरमेंट्स किस तरह से ले सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है। उसमें से अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो एक आधा, बाकी हम डिटेल्स में आगे करेंगे। ये डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास में हम सिर्फ इस तरह से करेंगे कि ताकि आपको भी पता चले कि क्लासेस में होता क्या है और किस तरह से जूम मीटिंग पे क्लासेस होती हैं। आपको समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, मेन जो मोटिव है डेमो क्लास रखने का वो यही है, ठीक है। सो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी आता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बिगनर्स है जिन्हें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ स्टिचिंग मशीन चलाना आता है, उसके अलावा उन्हें कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता है। कुछ लोग होंगे जिन्हें आता है बट उन्हें परफेक्शन नहीं आता, कि उन्हें कटिंग कर लेते हैं बट उनको परफेक्ट फिटिंग नहीं आती या फिर कटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूट्यूब से सीखा है बट फिर भी परफेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि यूट्यूब पे जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से गाइड नहीं करता है कोई भी कि आपको हर एक मेज़रमेंट्स के लिए किस तरह से करना है। अगर ये मेज़रमेंट है तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करोगे। सो अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपके पास हेलो मैम सूटिंग के बारे में बताइए, डेमो क्लास है डियर। डेमो क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका टॉपिक बैक ब्लाउज़ का रहेगा। सो डेमो जो है वो आपका ड्रेसेस के लिए और दोनों के लिए सेम रहेगा। जिन्होंने वीडियो वॉच नहीं करा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ बेसिक मेजरमेंट्स ही ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी सबके पास होते हैं, ठीक है। बेसिक मेजरमेंट्स हमें पता है कि अपना चेस्ट का साइज़ क्या है, वेस्ट का साइज़ क्या है, हम बेसिक मेजरमेंट्स ले रहे हैं। सो कोई इशू नहीं, अगर नहीं भी वॉच किया तो जस्ट अ डेमो है, कोई नहीं, इतना भारी में मत लो, फ्री होकर क्लासेस लो, ठीक है, बट साथ में करो, ठीक है। भले ही आपके पास खुद के मेजरमेंट नहीं है या फिर थोड़े बहुत अच्छे से नहीं ले रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमो क्लास है, इंजॉय करके लो। सो अभी हम पैक ब्लाउज बना रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए मेजरमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए जो अभी हम बना रहे हैं, सिर्फ उसका ही मैं बता रही हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, सबसे पहले आपको लेंथ चाहिए इसमें, ठीक है। लेंथ आपको पता ही होगा कि कितना आप रखते हो, वैसे नॉर्मली जो ब्लाउज़ का लेंथ होता है या फिर अपना जो लहंगे के साथ पहनते हो ऊपर चोली या टॉप, उसका जो लेंथ होता है वो 13 से स्टार्ट होकर 16 तक जाता है। अभी इसके बाद आपको चाहिए चेस्ट का मेजरमेंट, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, आफ्टर क्लास एक बार आप चेकआउट कर लेना। चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, ऑलमोस्ट सबके पास होता है कि हाँ मेरी चेस्ट का साइज जो है वो 40 है या 38 है 36 है। इसके बाद आपको चाहिए वेस्ट का मेजरमेंट, लेंथ मैं यहाँ रख रही हूँ 14, चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर है 36, वेस्ट का मेजरमेंट है यहाँ पर 32 इंचेस। इसके बाद आपको शोल्डर मेजरमेंट चाहिए, तो शोल्डर मेजरमेंट मैंने आपको बताया हुआ वीडियो में कि आप हर टाइम बैक से मेजरमेंट लोगे। सो बैक से मेजरमेंट मेरा आ रहा है शोल्डर का 15 इंचेस। आर्म होल अभी हमें ज़रूरत नहीं है बट आर्म होल मेजरमेंट हमें आगे ज़रूर लेंगे हम, ठीक है। जो आगे हम क्लासेस करेंगे उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि आर्म होल का मेजरमेंट आप अकॉर्डिंग टू बॉडी मेजरमेंट किस तरह से करोगे। जैसे मान लो मेरा 17 इंच का आर्म होल है बॉडी से, सो आप किस तरह से 17 का ही आर्म होल रेडी करोगे गारमेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 36 का चेस्ट है आपका तो हर एक लेडीज़ का जो आर्म होल है वो 17 इंचेस ही होगा, ठीक है। हो सकता है किसी का 16 हो सकता है किसी का 19 हो, तो आर्म होल का डिफरेंस आता ही आता है, सबका बॉडी अलग है, सबके मेजरमेंट्स भी अलग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक चेस्ट सबका सेम है सो आर्म होल मेजरमेंट सेम होगा,
काफ़ी स्टूडेंट्स है इसलिए 72 पार्टिसिपेंट्स है इसलिए प्लीज़ अपने आप को म्यूट करके रखो। कुछ भी आ रहा है आपको प्रॉब्लम चैट बॉक्स पे लिख दो। ठीक है, मेजरमेंट चाहिए बट आमूल का अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, आमूल अभी स्टैंडर्ड की तरह लेंगे। बट बॉडी से कैलकुलेशन हम इस तरह से करते हैं कि आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, कि आपको अगर आपका 17 है इस तरह से आप सेट करोगे। ठीक है, स्टार्ट। आहिस्ता आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, प्लीज़ अपने आप को म्यूट करके रखो। वाईफाई और कूलर कुछ ऐसा। एक मिनट। सबके पास सब साथ में करेंगे। ठीक है, जब तक आप साथ में नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो साथ में करेंगे। मैं यहाँ पर जो है यूज़ कर रही हूँ A3 साइज़ का पेपर। ठीक है, अगर नहीं है A3 साइज़ का पेपर तो आप नॉर्मली न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट उस पर आप जो मार्किंग करो वो स्केच पेन से करो, क्योंकि पेंसिल का मार्किंग आपको विजिबल नहीं होगा। सो मैं यहाँ पर स्केच पेन नॉर्मली मैं प्लास्टिक का स्केल ले रही हूँ। नहीं, मैंने आपको आइटम बोला था आज की क्लास के लिए। तो क्राफ्टिंग के लिए हमें सिर्फ यही चाहिए होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्कूल का रख रही हूँ। ठीक है, नीचे का क्वेश्चन हो जाएगा। साइज का मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखो, नहीं तो मैं आपको आपके वजह से और स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो रही है। साइज का सबसे पहले हम एक यहाँ पर स्टोर करें। ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम यही होती है कि लोग आपको सबसे पहले यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन डालोगे। ठीक है, यहीं से आप अपना ड्राफ्टिंग शुरू करोगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डालना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऊपर से ड्राफ्टिंग करोगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अगर ड्राफ्टिंग शुरू कर रहे हो, हम जो अभी करेंगे इसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग या पैटर्न मेकिंग। ठीक है, सीधा आप कटिंग नहीं करते हो फैब्रिक पे। जो हम सीखेंगे पहले पेपर पे करेंगे, ताकि आपका लेस वेस्टेज हो, कि सीधा ये नहीं कि आप सीधा फैब्रिक पे कर रहे हो और उल्टा फुल्टा कटिंग कर रहे हो। पहले हम पेपर पे सीखेंगे, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और इसको हम पैटर्न मेकिंग भी बोलते हैं। मेरे वर्ड्स जो हैं ये इंग्लिश में ही रहेंगे, जो मेन टर्म्स होती है, क्योंकि मैं इन्हें सिर्फ इंग्लिश में ही जानती हूँ, बट जो मैं बताऊँगी वो हिंदी में बताऊँगी। ठीक है, वर्ड्स इंग्लिश में रहेंगे। स्ट्रेट लाइन डालने के बाद सबसे पहला वर्क है आपको अपना लेंथ मार्क करना है। ठीक है, सो लेंथ है हमारी 14 इंचेस। इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच क्यों प्लस करोगे आप इसमें, देखो 1 इंच प्लस क्यों करना है, सबके पीछे लॉजिक होता है। ये नहीं कि कहीं पे आप 1 इंच प्लस कर रहे हो, कहीं पे 1/2 इंच प्लस कर रहे हो, कहीं पे 1.5 इंच प्लस कर रहे हो, हर एक के पीछे लॉजिक होता है। 1 इंच प्लस कर रहे हो तो क्यों प्लस कर रहे हो, तो 1 इंच इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि 1/2 इंच आपका ऊपर शोल्डर स्टिचिंग में जाता है और 1/2 इंच आपका जो नीचे आप पट्टी लगाते हो वेस्ट पे फिनिशिंग करने के लिए, 1/2 इंच उसमें जाता है। तो आधा आधा इंच की ऊपर नीचे सिलाई चली जाती है। सो रेडी आपका 14 पर ही होगा। ठीक है, सो 1 इंच प्लस करके हम लेंगे। सर 14 इंच का लेंथ है, सो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 15 इंचेस पे। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स पे बताओ कौन कौन मेरे साथ कर रहा है, एक बार मुझे पता लगे कितने लोग कर रहे हैं साथ में।
14 + 1 = 15। फिफ्टीन के बाद यहाँ निशान डालने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। ओनली 4 पीपल्स कर रहे हैं 74 स्टूडेंट्स में से। और कहाँ और क्या अलग और क्या कर रहे हो सब? ओनली 4 पीपल्स का आया अभी। देखो साथ में करोगे तभी समझ में आएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर जैसे अगर आप डांस भी करना सीख रहे हो एंड सिर्फ आप यूट्यूब देख रहे हो और आपको लग रहा है कि विदाउट आप डूइंग सीख लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक साथ में नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके आगे चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो या कहीं पे आपको रिपीट करना हो, ओके खुशबू, कहीं भी आपको रिपीट करना हो तो वहाँ पे बस एक बारी चैटबॉक्स पर रिपीट लिख देना, मैं वो वाला टर्म रिपीट कर दूँगी। ठीक है, लेंथ मार्क करने के बाद अब हमारा सेकंड काम है शोल्डर को मार्किंग करना। तो शोल्डर है यहाँ पर 15 inches। ठीक है, अभी हम जो ब्लाउज़ बना रहे हैं, मैं पहले बता रही हूँ आपको, ब्लाउज़ अलग अलग तरह के होते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आपका डीप नेक लाइन का ब्लाउज़ भी होता है, एक होता है आपका बोट नेक लाइन का भी, जो क्लोज होते हैं। सो अभी हम बोट बना रहे हैं जिसमें पीछे का गला बिल्कुल मिनिमम होता है, 2 inches का या फिर 3 inches का, वो वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं हम। ठीक है, डीप नेक लाइंस नहीं बना रहे, पीछे का 6 या 7 पर गला नहीं बनाएंगे इसमें। ठीक है, नॉर्मल रखेंगे, बोट नेक बनाएंगे। सो शोल्डर है 15 inches। एक मिनट रुकना, तो शोल्डर जितना भी आया है आपका बॉडी से उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ही आया 7.5। जितना भी आपका शोल्डर है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि 2 से ही हम क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। तो जिसका जितना जितना आया है शोल्डर डिवाइड बाय 2 उतना उतना मार्क करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लाइन मार्क कर रही हूँ 7.5 की। ठीक है, 7.5 पर मैंने शोल्डर मार्किंग करी है। 0 मेरा ये बिल्कुल कॉर्नर पे है। ठीक है, अगर आप स्केल देखोगे तो स्केल मेरा बिल्कुल कॉर्नर पे है, कॉर्नर से नहीं है, 0 यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 0 जहाँ पे आपका लाइन डला हुआ है वहाँ से 0 शुरू हो रहा है। तो जहाँ पे आपका 0 है उसी 0 को आप बिल्कुल कॉर्नर पे रखोगे शीट के एंड देन मार्क करोगे, यानी कि आप यहाँ से करोगे, क्योंकि 0 आपका बिल्कुल कॉर्नर से शुरू नहीं है स्केल पर, यहाँ से शुरू है जहाँ से आपका डंडा दिख रहा है, ये यहाँ से, तो हम यहीं से लेंगे। शोल्डर मार्किंग के बाद आपको इसमें नेक शोल्डर मार्किंग करने के बाद आपको अब इसका नेक विड्थ मार्क करना है। ठीक है, सो नेक विड्थ मार्क करने के लिए जिनका छूट गया है या फिर अभी वॉइस कनेक्ट हुआ है, सो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगी, आप रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना। नेक विड्थ हम मार्क करेंगे 4 inches पर। ठीक है, बॉट नेक बना रहे हैं, सो बॉट नेक जो होता है वो 4 inches पर होता है, बट हम बाद में चेंजेस भी कर लेंगे, 4 to 5.5 तक रहता है। निशा, हमने सिर्फ शोल्डर मार्किंग करने के बाद शोल्डर हमने 7.5 पे मार्क किया क्योंकि शोल्डर था 15। उसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर लाइन पे ही नेक विड्थ मार्क करा है 4 inch पर। ठीक है, अभी 4 inch पे मार्क करो, बाद में हम धीरे धीरे आगे अलग अलग टाइप्स की नेकलाइंस के लिए कितना कितना नेक विड्थ रखा जाएगा वो मैं बताऊँगी। बॉट नेक है, अगर बिल्कुल पतला साइज है लाइक 30 चेस्ट है तो उसमें आप 3.5 या 3 रख सकते हो, बट नॉर्मली जो बॉट नेक का शुरुआत होता है वो 4 inch से होता है।
4 इंच रखोगे बॉट नेक के लिए। अगर प्रॉपर बॉट नेक चाह रहे हो तो बैक में 3 इंच भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 3 इंच और आगे, और अगर आपने पीछे आगे अगर आप राउंड नेक या वी नेक रख रहे हो तो उसमें 3 इंच भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रंट में भी बॉट नेक है और बैक में भी बॉट नेक है तो उसमें आप 4 इंच लोगे। इतना करने के बाद अब आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। ये हमारे शोल्डर जो होते हैं इस तरह से स्लांट होते हैं, तिरछे, ठीक है। किसी के भी आपने शोल्डर किसी के भी सीधे नहीं देखे होंगे, इस तरह से सीधे हर एक के इस तरह से स्लांट होते हैं। किसी के कुछ ज़्यादा तिरछे होते हैं, किसी के कम तिरछे होते हैं। सो हमें जो गारमेंट बनाना होगा वो भी इसी तरह से बनाना होगा अगर हमें परफेक्ट चाहिए तो, ठीक है। हमारा जो गारमेंट होगा वो भी इस तरह से तिरछा होगा शोल्डर की साइड से। वो किस तरह से लेकर आओगे, 1/2 इंच डाउन लोगे, जहाँ पे आपका शोल्डर मार्किंग हुआ है इधर से 1/2 इंच नीचे, 1/2 इंच नीचे मार्क करो। आधा इंच नीचे मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, जो नेक विड्थ का पॉइंट है और ये जो 1/2 इंच नीचे लिया था, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास तिरछे शोल्डर आ जाएंगे इस तरह से। ये आपका शोल्डर हो गया तिरछा, ठीक है। शेख ये सिर्फ डेमो क्लास है, जो टॉपिक गिवन है उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं लेंगे। हाँ जी बोलो। यहाँ तक क्या चीज़ फिर, बाद रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर का टाइम होता है ना, एंड ऑलरेडी टॉपिक बहुत स्लो चल रहा है। सो आपको मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग वॉच दे दूंगी, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। इसके बाद देखो जितना भी आपका शोल्डर लाइन है, तो शोल्डर लाइन मैंने डाला था 7.5 पर, ठीक है, क्योंकि हमारा शोल्डर था 15 डिवाइड बाई 2 करके लिया था 7.5। तो जितना आपका शोल्डर आ रहा है उतना ही आप आर्म होल लोगे। अब ये जो तरीका है ये स्टैंडर्ड तरीका है, कौन सा तरीका है, स्टैंडर्ड, कि जितना आपका शोल्डर लाइन आ रहा है उतना ही आप आर्म होल लाइन ले लो। बट एक तरीका और होता है जिसके अंदर आप कैलकुलेशंस करते हो इसके अकॉर्डिंग, वो हम आगे सीखेंगे आगे की क्लासेस में, कि अगर आपका आर्म होल इतना है तो आपको आर्म होल लाइन कितना रखना चाहिए। वो सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, कोई मुश्किल नहीं है, इजी कैलकुलेशंस करेंगे, जिससे आपका गारमेंट भी ये नहीं होगा कि आर्म होल टाइट हो रहा है या लूज़ हो रहा है, उसमें हम अच्छे से कैलकुलेशंस करेंगे। बट अभी हम डेमो क्लास है तो अभी इसमें हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। जितना भी आपने शोल्डर लाइन डाला था उतना ही आप आर्म होल लाइन डाल दीजिए। ये 1/2 इंच के पॉइंट जो आपका आया है, इसी पॉइंट से आप डालोगे आर्म होल लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट डालना है, इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट से नहीं लेना, नीचे वाले पॉइंट से लेना है। 7.5 ले रही हूँ मैं इधर, पुष्पा हमने जितना शोल्डर लाइन लिया था, शोल्डर लाइन मैंने लिया था 7.5 का, उतना ही हम ले रहे हैं आर्म होल लाइन। ये आर्म होल लाइन है 7.5 पर ले रहे हैं, जितना आपने लिया था शोल्डर लाइन ऊपर का। सो इस पॉइंट जो 1/2 इंच नीचे लिया था वहाँ से मैंने 7.5 लिया है ये। मीटिंग्स जो है वो 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, क्योंकि जूम मीटिंग से 40 मिनट्स की मीटिंग अलाउ करता है। तो सेम लिंक से आप सबको रीज्वाइन करना होगा,
ठीक है, सो रिज्वाइन कर लेना सेम लिंक से, या फिर आईडी पासवर्ड डालते हो तो आईडी पासवर्ड से, वैसे लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है, तो बार बार आईडी पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आर्म होल लाइन डालने के बाद इस पॉइंट पर हमें जो मेज़रमेंट लेना है यहाँ से, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से, बिल्कुल इस यहाँ की तरफ नहीं लेना, अभी मैं बताऊँगी इंची टेप रख कर। यहाँ पर आपको मेज़रमेंट लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 4। तभी आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ऊपर तो हमने शोल्डर को 2 से डिवाइड किया है बट हम चेस्ट को यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रीज़न है देखो, जब आपने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया था तो आपने ऑल ओवर बॉडी लिया था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो आफ्टर क्लास देख लेना, कोई बात नहीं है। जो हमने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया था वो फ्रंट से आते हुए बैक तक पूरा लिया था, ठीक है, प्रॉपर पूरा लिया था बॉडी का। एंड जो शोल्डर का मेज़रमेंट लिया था ये सिर्फ बैक बैक से लिया था, ठीक है, पूरा घुमा कर नहीं लिया था, ये सिर्फ बैक से लिया था, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया है, और चेस्ट का हमने पूरा लिया था इसलिए हम डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। तो अभी जो हम बना रहे हैं पैटर्न, ये सिर्फ बना रहे हैं 1/2 बना रहे हैं पैटर्न हम अपने बैक का। अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूँ तो ये 1/4 पैटर्न है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप चीज़ें कर रहे हो, बट धीरे धीरे जैसे करते रहोगे तो समझ में आएगा। अभी हम जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ये हाफ पैटर्न बना रहे हैं बैक का, इसका मतलब क्या, अगर मैं फोल्डिंग पे रखूँगी, अगर ये मैं पैटर्न कट करने के बाद मैं फोल्डिंग पे रखूँगी तो मेरे पास पूरा बैक निकल के आ जाएगा। एंड पूरी बॉडी की बात करूँ तो ये 1/4 पैटर्न है, ठीक है। तो इसलिए जब हम फुल बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, एंड सिर्फ हमने बैक का मेज़रमेंट लिया था तो उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फटाफट से चेस्ट का डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो चेस्ट का है 36 डिवाइड बाय 4 आया 9। तो यहाँ पे आपको मेज़रमेंट जो डालना है बिल्कुल कॉर्नर पे से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे इंची टेप रखना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपका आर्म होल लाइन का पॉइंट ख़त्म हुआ है यहाँ पे आपका स्ट्रेट होना चाहिए इंची टेप, और यहाँ पे आपको 9 मार्क करना है, या तो पूरा स्ट्रेट लाइन ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सिंपल इस तरह से ले लो, ठीक है, इतना ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पूरा 9 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से कॉर्नर से लेके यहाँ तक। पूरा स्ट्रेट लाइन डालना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल सकते हो। अभी हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रहे क्योंकि ये पैटर्न बना रहे हैं हम पेपर पे, जब हम फैब्रिक पे करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं, जो हम ईज कहते हैं या फिर साइड मार्जिन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी होता है 1.5 इंच का 2 इंच का जो हम रखवाते हैं जब भी हम टेलर से सिलवाते हैं अपने गारमेंट्स, ताकि हम इन फ्यूचर हम उसे लूज़ कर सकें। सो अभी हम वो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रहे हैं साइड का, ठीक है, बाद में लेंगे, उसका अभी पेपर पे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताती रहूँगी जैसे जैसे चलेंगे। चेस्ट लाइन भी हो गया, आर्म होल लाइन भी हो गया, ठीक है, अभी हम करते हैं वेस्ट लाइन। सिंपल वेस्ट में भी आपको, क्योंकि वेस्ट का भी जो हमने मेजरमेंट लिया था वो फुल बॉडी का लिया था, तो इसको भी आप डिवाइड करोगे 4 से, W इज़ फॉर वेस्ट, वेस्ट को मैंने W से लिखा है, प्लस 1। अब इसमें हम 1 इंच क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे जो हमारा ब्लाउज़ होता है उसमें अगर आपने देखा हो पीछे इस तरह की लाइनिंग होती है, तो इस लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, डार्ट, ठीक है, कुछ कुछ लोग इसको टक्स भी बोलते हैं, बट अगर मैं फैशन डिज़ाइनिंग की बात करूँ टेलरिंग को छोड़ के, अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें हमें जो सीखते हैं उसको हम डार्ट कहते हैं, ठीक है, डार्ट इसका जो मेन वर्ड है, जो भी आप कहो इंटरनेशनल पैटर्न मेकिंग से या किसी भी तरीके से, इसको हम डार्ट बोलते हैं, और नॉर्मल जो बोलते हैं वो टक्स या प्लीट्स भी बोल देते हैं कि मुझे प्लीट वाला सूट चाहिए या फिर टक्स वाला सूट चाहिए या कुछ भी। ठीक है, सो हम डार्ट डालेंगे पीछे, जो डार्ट होता है वो एक ट्रायंगल तरह का शेप होता है, वो आगे आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, इस तरह का भी हम ट्रायंगल शेप बनाएंगे, इसी को हम डार्ट कहते हैं,
सो ये जो डार्ट होता है वो 1 इंच का रहता है, ठीक है। इससे फिटिंग हमारी और अच्छी आती है बैक में और फ्रंट में दोनों साइड। ठीक है, इसलिए हम प्लस 1 करेंगे, ठीक है। सो जो भी आपका वेस्ट है उसको डिवाइड करोगे, फोर से, सो यहाँ पे आया 32 डिवाइड बाय 4 आया 8 प्लस 1, ठीक है। 32 डिवाइड बाय 4 आया 8 प्लस 1, टोटल आ गया 9। सो मैं मार्किंग यहाँ कर रही हूँ 9 पर। मेरा दोनों चेस्ट और वेस्ट सेम आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका भी सेम आए। सबका मेजरमेंट अलग है, हो सकता है आपका तिरछा लाइन जाए, हो सकता है आपका राइट साइड तिरछा जाए, हो सकता है आपका लेफ्ट साइड तिरछा जाए। सो कोई डरने की बात नहीं है कि ये मैम का तो सीधा जा रहा है, मेरा उल्टा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सीधा जा रहा है बट आपका इस साइड तिरछा भी जा सकता है और अंदर की तरफ भी आ सकता है, वो मेजरमेंट्स के ऊपर है कि हो सकता है आपका चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है, हो सकता है कि 4 इंच का डिफरेंस है तो आपका स्ट्रेट ही आएगा, और 4 इंच से कम का डिफरेंस है तो आपका इस साइड को तिरछा जाता है। सो ऑलमोस्ट हमारा बनने वाला है हमारा बैक ड्राफ्ट, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, बिल्कुल इजी था। अभी हमारा इसमें आर्म होल रह गया, नेक लाइन रह गया, डार्ट कैसे डालना है, 3 टॉपिक्स रह गए एंड एक छोटा सा टॉपिक और रह गया। फोर मिनट्स बाद अपने आप ही मीटिंग एंड हो जाएगी, एंड जिनका अभी अभी वॉइस कनेक्ट हुआ है या फिर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, सो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो रिकॉर्डिंग में भी मैं आपको नाइट तक दे दूँगी, आपको वॉच कर लेना एक बारी। अभी आपको डार्ट कैसे डालना है वो देखो, 3 मिनट्स में अपना भी क्लास एंड हो जाएगा, तो सब एक बारी रिज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। अब देखो डार्ट कैसे डलेगा, अलग तरीका होता है बैक में डालने का और फ्रंट में डालने का अलग तरीका होता है। पहले हम बैक में डालेंगे, बैक में किस तरह से डलता है सबके लिए फिक्स रहेगा। यहाँ पे हम जो लेंथ ले रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपका चेस्ट 34 से कम है, यानी कि अगर 30 है, 32 है या 34 है, यानी कि स्मॉल बस्ट के लिए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। एंड अगर इससे बड़ा चेस्ट है आपका, लाइक 36, 38, 40, तो हम 5 इंच लेंगे। ये सिर्फ बैक के है, फ्रंट के लिए, ठीक है, बैक के लिए नहीं है। सो मेरा चेस्ट है यहाँ पर 36, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। चेस्ट का देखना है मेजरमेंट जोन सा भी है, मेरा चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 36 है, सो मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी 5 इंच पर। अगर मेरा चेस्ट होता 32 या फिर 30, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करती 4 पर, बट अभी मेरा चेस्ट है 36, तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 5 पर। तब भी फोड़ लो आप, 34 हो तब भी फोड़ लो। हाँ हाँ 5 ही लो, चाहे 42 से ऊपर हो या 44, 48 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक में 5 ही लो। फ्रंट का मैं अलग बताऊंगी आगे की क्लासेस में। अब आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है, ये भी फिक्स रहेगा आपका। स्ट्रेट लाइन लेनी है इस पॉइंट पर 4.5 इंच की, 4.5 इंच की स्ट्रेट लाइन लोगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ली हमने 4.5 इंच की।
मुझे नहीं मालूम, मैं तो मेरे बाप का माल है तो मैं पूरा खाऊंगी। मैं आपसे पूछूंगी क्या बढ़िया है। वेट करना 2 मिनट, सबको ज्वाइन होने दो। अरे